Nemra song. फेस्टिवल में नहीं आने से भी ये जो माघ बिहू का जो ये होता है ना वो बड़ा बड़ा अनाई पड़ता है और अनाई जाता है क्योंकि हमें बसरत एक बारे करूँ तो हमार जोर बाहर जाए काम करे बसरत आ पाए मानु बिल्क एक लगे खांग अमर गांग खांग जी मेरा माँ जो है नहीं एक बार हम जो गुवाहाटी में था एक बार नहीं आया तो उसी दिन रो दिया जो क्यों नहीं आया माने अमर जी एरिया तो भीतर गांव खन माने अमर राभा गांव होले हो तो माने कुमसा बोली है गम पाइसिल एने को मेघालय पड़े मेघालय भी राभा गांव राभा गांव तो यार मेनली एने डांगर दुखन गांव आसे हैप्पी बिहु ভাল ভাল আপনা কর পাই सानु भाई को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो ओके खेल के शेयर करो थैंक यू सो मच हेलो दोस्तों की हाल चाल तो की खबर अपन लोगों एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में सबको स्वागतम। तो दोस्तों अभी हूँ ना आपका रानी का रूट बोलते हैं इसको रानी रूट में वो जा रहा हूँ मेघालय में और ना आज फिर से एक अलग आप लोग को दिखाने को मिलेगा। और फिर पहले आप लोग सबको माघ बिहू का शुभकामना और लाहौरी के लिए भी शुभकामना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ना इस बार ये वाला ब्लॉग अलग होने वाला है, जैसे सब ब्लॉग कुछ अलग होता है ये वाला ब्लॉग भी कुछ अलग होने वाला है। तो दोस्तों अभी असम में हूँ, असम से डायरेक्ट हम लोग मेघालय क्रॉस करेंगे अभी, तो मेघालय की तरफ जाएंगे दोस्तों। और मैं आज सोलो निकला हूँ, मैं अकेला हूँ, तो फुल ऑन रास्ते में बातें करेंगे, दिखाएंगे, फुल ऑन एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए फुल ऑन ब्लॉग में। फाइनली मेघालय हम लोग एंट्री कर लिए, तो मेरे साथ आप लोग भी एंट्री कर लिए। और ये है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी फॉरेस्ट है। तो अभी तो इस जगह का नाम क्या है आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है, मैं भी बहुत पहले आया था, मैं भी थोड़ा बहुत भूल गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस जगह का नाम। तो अभी दोस्तों मेघालय की तरफ एंट्री होने वाला है और ये ही गेट है। और इधर से अभी घुसते फुल ऑन मेघालय में और दिखाते हैं मेघालय का नज़ारा और किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं वो भी दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा दिस पर्टिकुलर ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली तो मेघालय में घुस गया ना, घुसने के बाद मेरा गोप्रो वर्क करना बंद कर दिया, लेकिन इसका हालत देखिए यार क्या हो गया। मतलब तो इसलिए हम तुरा गया था, जिसका ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ काम के लिए गया था, तब जाने का टाइम में हम ये खुला ही नहीं, साफ भी नहीं किया। तो इसको पहले साफ़ कर लेते हैं, एक बार बैटरी ओपन करते हैं, उसके बाद फिर से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ऑल सेट हो गया मेरा, अभी निकल रहे हैं अपना जर्नी के लिए दोस्तों। बहुत ही सुंदर जगह है मेघालय, ऑलवेज ब्यूटीफुल मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं फेसबुक में वीडियो अपलोड किया था, मैं आपको दिखा दूंगा, वो मेरा स्क्रीनशॉट आ रहा है भाई। इसमें ना खासी पीपल मुझे इतना गाली दिया दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्यों गाली दिया और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है मतलब क्या क्या गाली दिया। लेकिन मैं एक अपना भाई से पूछा तो बोला ये सब गाली दे रहा है आपको, तो क्यों गाली दिया मुझे वीडियो में मुझे पता ही नहीं, मैं कुछ गलत दिखाया नहीं। तो आप लोग मेरा फेसबुक में जाके चेक कीजिए, चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे रहा हूँ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए वो वीडियो आ जाएगा। तो भाई इतना गाली दिया ना, बाप रे बाप, तो क्यों गाली दिया भाई। भाई रास्ता पूरा ओसम वाला रास्ता हो गया अभी, मतलब क्या बोलूँ ना, एकदम बहुत सुंदर हो गया रास्ता। तो जब मैं फास्ट बहुत जब मैं यूट्यूब जर्नी स्टार्ट नहीं किया तब भी मैं यहाँ पे आता था, तो तब रास्ता ख़राब था, छोटा था, लेकिन धीरे धीरे रास्ता बहुत ही अच्छा हो गया यहाँ का रास्ता। और मतलब रास्ता का एक्सपीरियंस वाव है।
और इधर से देख सकते हैं आप लोग जाने के लिए जो पहाड़ का साइड है ना, तो आपको मतलब बाइक भी थोड़ा अच्छे से या कार भी थोड़ा अच्छे से चलाना पड़ेगा, क्योंकि कब किधर से क्या आ जाए आप लोग को खुद को भी पता नहीं चलेगा भाई साहब। तो इस तरह का मौसम वाला सीन हो के जा रहे दोस्तों अपना लोकेशन। हैप्पी बिहू भाल भाल अपना कौन से एयरपोर्ट अमकारबाई लेक बहुत सुंदर लेक है, पहले मैं विजिट किया था और आप लोग भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत सुंदर लेक है। मेरा यहाँ का ब्लॉग भी है दोस्तों, आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरा होल्डर ब्लॉग में देख सकते हैं, पतरखमा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और मैं आपका ऊपर में आई बटन में भी दे दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जिदान में, तो जिदान को क्रॉस करके जा रहे हैं अपना लोकेशन, और बहुत ही सुंदर सा प्लेस है ये, मेघालय पड़ता है पहले मैं बोल दिया। तो जिदान में हूँ अभी, पहुँच जाएगा लगभग मेरा दोस्त का वहाँ पे पतरखमा ये पतरखमा। ये है पतरखमा मार्केट, और इधर से भाई का घर था यार, मैं बहुत दिनों का पहले आया था, अब लगभग एक साल हो ही गया। तो अभी उसका घर आई थिंक इधर से जाता है, चलते हैं भाई के घर में और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ यही है भाई, यही रूट था। तो लगभग पहुँचने वाला है भाई का घर में, देखते आगे जाके क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली जो बोला था पतरखमा दोस्त का घर में आ गया दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है, थोड़ा बातें करते हैं। बहुत पहले आया था, अच्छे से मैं बात किया था, मुझे याद नहीं, लेकिन आज पूरा अच्छे से बात करेंगे। और साथ में है खुरा अंकल है जो मेरा दोस्त का ही पिताजी है, तो अभी तो बात करने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि फ्रेंडली मिलता रहते हैं उनसे, तो अच्छे से बात करते हैं इसका बारे में और आप लोग को भी सुनाता हूँ दोस्तों। तो नेमरा सुन खुरा खुरा एक विषय अलग कौन जो आज গোটে গাহৰি চাহৰিবোৰ কাটি পোক যে কাটিছে কিহৰ কাৰণে? আমাৰ এইটো পৰম্পৰা চলি আহিছে, আমি একে পিতৃপুৰুষৰ পৰাই এটা পিতা দিনৰ পৰাই পাই আহিছোঁ। তেনেকুৱাই আমি আগৰ পৰা এইটো মাঘৰ বিহুৰ ভোজৰ পিছৰ দিনাখন আমাৰ ৰাইজে তাৰমানে এই গাহৰি মাংস আমাৰতো প্ৰিয় হয়, আমি ট্ৰাইবেল মানুহ, গতিকে গাহৰি মাংস কাটি মেলি ভগাই লোৱা হয় ঘৰে ঘৰে। এইটো এই গোটেই বছৰটোত এদিন মানে এনেকুৱা যিটো ভোজ হয়, যেনেকৈ কয় যে একে বোলে ভীষ্ম ৰজাৰ শ্ৰাদ্ধ বুলিয়ে কোৱা শুনিছোঁ, ইমানটো নাজানো, আমিও তেনেকৈ আগৰ পৰাই কোৱা শুনি আহিছোঁ পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰা। তেনেকৈ তাৰমানে আমাৰ ইয়াত এই মাংসবিলাক কাটি মেলি ভগাই লয় ঘৰে ঘৰে মাংসৰ বিহুৰ পিছদিনাখন, আৰু উৰুকা দিনাখনতো চবেই ভোজ ভাত খায়েই। আচ্ছা, সেই তেনেকৈ আমাৰ উৰুকাৰ নেক্সট দিনাখন প্ৰথম বিহু দিনাখন এনেকৈ মাংস কাটি ভগাই লয় আৰু ঘৰে ঘৰত মানে খায় আৰু। আচ্ছা, সেই তাৰপিছত তেনেকৈ চবতে হয়তো বেলেগ বেলেগ হ'বও পাৰে, কিন্তু আমাৰ আমি দেখাৰ পৰা ইয়াত তেনেকৈ চলি আছে আৰু আমি সেই কৰ্মটোৱে কৰি এতিয়াও চলি আছোঁ আৰু। আচ্ছা, তো খুৰা কথা হ'ল এইটো যোনটো আপোনাৰ, এইটোতো একচুৱেলি মেঘালয় পৰে, মেঘালয় পৰে মেঘালয়ৰ ভিতৰত ৰাভাগাঁও, ৰাভাগাঁও ইয়াত মেইনলি এনেই ডাঙৰ দুখন গাঁও আছে। আমাৰ ইখন গাঁৱত এতিয়া 100-100 মানুহ আছে আৰু নেক্সট গাঁওখনত 100 বেছি আছে, সিমান নাজানো গোটেইখিনি কিবা সঠিক হেৰিটো, সেইখনত কিন্তু আমাৰ গাঁও আমাৰ ইয়াতকৈ বেছি মানুহ আছে তাতে। বাৰীগাঁও বাৰীগাঁও আৰু এই গাঁওখনৰ নাম এইখন উমচাও উমচাও উমচাও। আচ্ছা, এতিয়া ইয়াতে নামটো আগৰ পৰা গোটেই উমচা গাঁও বুলি বা আমাৰ ইয়াত বজাৰ চজাৰ গোটেই উমচা বজাৰ বুলিয়েই আছিলে, কিন্তু মাজতে এতিয়া এই অলপ খাচীয়াবিলাকে পাথৰখামা নামটো দিলে আৰু। আচ্ছা, এই সেইটো অলপ আজিকালি অলপ মানে বেলেগ হেৰি টাইপ হৈছেতো। আচ্ছা আচ্ছা, আগত কিন্তু গোটেই একদম অল অসমৰ মানুহে গম পাইছে, অল অসম নহয় মানে আমাৰ যিবিলাক কাষৰীয়া ৰাজ্য আছে তেওঁলোকে অসমৰ মানুহো এইখন উমচা গাঁও বুলিয়েই কৈছিল বা উমচা বজাৰ বুলি কৈছিল।
इतना पाथार खामा हम जीतुक आम गवर्नमेंट फल स्वीकृति दिले सके नजानो तमाने पाथार खामा बुलिए पोस्ट अफिस पाथार खामा पुलिस आगत माने आगत आम सुरपा जानी इत प्राय उमसाओ जानी उमसाओ माने आम जी एरिया भर गाँव माने आम राभा गाँव हम तमें उमसाओ बुलिहे गम पाई इतना दो गाँव बी कल बारेगाम जानो कि बेलेग राइजे कि उमसा गाँव बुलिहे जानी खुरा देखी मैंने अपनी गाँव बहुत मरम कर एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेकिन जो बिहू का टाइम में हो गया और कुछ फेस्टिवल गाँव में सर आते ही है मतलब अंकल आते ही है तो गाँव मैंने अपनी इमान भल पाए मोर हिसाब से बहुत भल पाए और ये विलेज ना दोस्तों बहुत ही सुंदर है मैं तो ना नहीं बुलाने से भी आ जाता हूँ कभी कभी मेरा दोस्त बोलता है बताओ अभी तो फिर भी आ जाता हूँ लेकिन बहुत प्यारा गाँव है और ना जितना बार आया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और साइड वर्ड में थोड़ा ना पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे तो खुरा अपनी जो प्रत्येक बस बिहू टाइम जो ऐसा है दूसरा मतलब कल्चर में नहीं आने से भी सॉरी फेस्टिवल में नहीं आने से भी ये जो माघ बिहू का जो ये होता है ना वो बराबर आना ही पड़ता है और आना ही जाता है क्योंकि हम लोग का यहाँ में वो चीज़ में मेरा माँ जो है नहीं एक बार हम जो गुवाहाटी में था एक बार नहीं आया तो उसी दिन रो दिया जो क्यों नहीं आया इसीलिए इस प्रोग्राम में आना ही पड़ता है। अच्छा, तो और आप लोग इस प्रोग्राम को बोलते हैं दोमाही दोमाही। ओके ओके चलिए अंकल थैंक यू सो मच तो दोस्तों फिर से यहाँ पे एक भैया मिले तो क्या दोमाही का बारे में कुछ बोलिए। दोमाही कारण कोई आसोबा देखो आमी तो दोमाही खाओ आज भोगाले बिहू। अच्छा भोगाले बिहू कारण आज मांस भाग कर गाहरी मांस। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फूल संतोष ये जो मतलब थोड़ा और कुछ बोलिए हम लोग को गमड़े से बात कीजिए। देखिए सर भाई अपना अपना चैनल तो आने बहुत धन्यवाद अपना चैनल तो सब्सक्राइब करो सबको सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके 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 लाइक करो सब्सक्राइब करो ये सब आने का मतलब बहुत संतुष्ट हो गया हमें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये आपका घर कहाँ पे है सर? मेरा घर यही में है। यही पे है अभी राभा हो राभा नेमरा सॉन्ग तो दोस्तों अभी कुछ इस तरह का है तो और दिखाते और क्या होता है और मिलते रहेंगे फुलन ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी फाइनली यहाँ पे और यहाँ पे मिल गया मुझे गांव बूढ़ा जो गांव का हेड बोल सकते हैं ना गांव बूढ़ा। हाँ तो उनसे थोड़ा बात करते हैं। सर कैसे है? ठीक है ना सर। तो थोड़ा आज जो आप लोग जो फेस्टिवल कर रहे हैं ना थोड़ा उसके बारे में आप भी अगर बोल देते तो अच्छा होता। इतना बात तो हम नहीं जानता लेकिन थोड़ा तो बोल दूंगी हम मैं ना जानो मैं नतुन हुई किंतु आम जी कर बसर ये कर आगते चलि गए तो आम ये चलब विचार। अच्छा ते आमे बसरत एक बारे करू ते आमार जोर बाहिरत जाय काम करे बसरत आही पाय मानु बेलाक एके लगे खांग आमार गां खान ही बेले गां नहय संगर गां खान आमे सबियो मिलिर एनिका सेलिब्रेट करू एनिका धर्म। अच्छा एनिकाय करू ठीक है बिचेक दे मुर्गीत खाना खां आमे मुर्गी खाना खान गाहरी तो आमी अकल गाहरी तो भगाए ए कासा मांस भगाए लो। अच्छा अच्छा तो माने दोस्तों मुर्गी जो होता है वो मुर्गी से सब लोग पार्टी करता है और जो पोर काटा जाता है ना ये सब जो देख रहे हैं आप लोग पूरा पोर ये ना पूरा गांव का जितना आदमी है सबको मिलेगा ना। सब मिलेगा और एक बात ये बात लेकिन बहुत अच्छा है दोस्तों क्योंकि देखिए कौन ना ये आफ्टर दिस फेस्टिवल सब गांव-गांव चला जाएगा अपना काम में जाएगा फिर कौन कहाँ कब आएगा बट स्टिल ये जो दोमाही बोलते
है, हम लोग माघ बिहू बोलते हैं, सबका नाम अलग अलग है, जो इस फेस्टिवल में सब मिलके एक मतलब सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद ये जो एक पोर काटा जाता है, तीन चार जो जितना आदमी है तो उसको आपका सेपरेट करके सबको दिया जाता है दोस्तों। एक बहुत ही सुंदर मतलब बहुत इसमें मतलब दोस्ती भी बढ़ता है, यारी भी बस बढ़ता है और सब लोग एक दिन मिलके एक मतलब एंजॉय करके जाते हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे अपना शाम ढल गया और यहाँ पे पूरा एकदम सबको अपना जो मीट है नाम बुला बुला के दिया जा रहा था दोस्तों। और ये बहुत सारा मीट था, बहुत सारा मीट पर पर्सन पकड़ लीजिए 2 किलो 2.5 किलो जैसा मीट मिलेगा। तो उसको क्या करते हैं, घर में जाके उसको काट के आग का ऊपर उसको सेकने के लिए देता है दोस्तों। तो ये थोड़ा दिन के लिए खा सकते हैं मतलब जो ये काटा जा रहा है दोस्तों। और रात भी हो गया था तो ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं एक नया ब्लॉग, इसका पार्ट अभी बाकी है दोस्तों, फुल ऑन ब्लॉग में मिलेंगे। तो कीप वॉचिंग ट्रैवलोनॉमिक।